बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ रहिए हसीन से हसीन तर होने के लिए। जी फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने हमें हसीन तो बनाया ही है, उस पाक साथ का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए। लेकिन हसीन तर होने की ख्वाहिश हम ख्वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक ज़बरदस्त फेशियल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं जी। ये राइस फेशियल है और रिजल्ट्स हैं बहुत अमेजिंग जी। सबसे पहले हम एक्सफोलिएट करेंगे स्किन को, और उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ चावलों का आटा, राइस फ्लोर। उसमें ऐड करने जा रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त अरके गुलाब, उसके बाद स्किन को बहुत खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए हनी। इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स और बनाते हैं अपनी स्किन के लिए एक्सफोलिएटर। और आपको पता है कि स्किन स्क्रबिंग से, एक्सफोलिएटिंग से स्किन की जो ब्लड है हमारा वो सर्कुलेट होता है और स्किन बहुत जो है वो ड्राई बन जाती है। ये हो गया रेडी, इसको हम रखते हैं साइड पे और आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस तरीके से अप्लाई करना है और हमने बहुत हल्के हाथ से जो है इसको इसकी स्क्रबिंग करनी है, स्किन की एक्सफोलिएट करना है स्किन को। ये 2 से 3 मिनट जो है आप इसको एक्सफोलिएट करें, उसके बाद जी फ्रेंड्स ये मैंने अपने हैंड को एक्सफोलिएट कर लिया है और अब इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं मसाज क्रीम। उसके लिए सबसे पहले हम बोल लेंगे, और ये जी मैंने यहाँ पे राइस को बॉईल करके इसको मैंने दूध के साथ इसका पेस्ट बनाया, बहुत ज़बरदस्त स्मूथ सा जो पेस्ट है वो हमारे पास रेडी है। 1 स्पून इसका ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ग्लिसरीन, ताकि हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड स्मूथ बन जाए। उसके बाद थोड़ा सा रोज वाटर, अरके गुलाब, गुलाबों जैसी रंगत पाने के लिए, और इसको कर लेते हैं मिक्स। ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पास जो है मसाज क्रीम रेडी है। अब इसको रखते हैं साइड पे और आपको बताती हूँ कि इसका किस तरीके से करना है मसाज। इसका मसाज करेंगे इसी तरह लेके, इसको अपने 5 मिनट्स के लिए जो है मसाज करना है अपनी स्किन पे, और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करके 5 मिनट्स अपनी स्किन पे रहने देना मसाज करने के बाद। उसके बाद आप वॉश करेंगे, मैं भी ये रखती हूँ मसाज करने के बाद, वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। इसको मैंने 5 मिनट्स मसाज करके 5 मिनट्स रखा, उसके बाद वॉश किया, और इतना ज़बरदस्त जो है ना ये रिजल्ट है। इसकी मसाज क्रीम जो हमारी रेडी हुई थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, मार्केट की मसाज क्रीम से 1000 गुना बेहतर थी, और रिजल्ट्स भी उसके बहुत अमेजिंग है। तो उसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप वो है हमारे पास फेस पैक। ये मैंने वाइट फ्लोर लिया है, मैदा लिया है, उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 पिंच हल्दी। उसके बाद जी ये मैंने जो बॉईल की थी राइस उसका जो पानी था वो वेस्ट नहीं किया, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं स्किन को लाइट और ब्राइट करने में। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास वाटर है इससे हम इसका पेस्ट बना रहे हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम मज़ीद इसमें से ले लेंगे। उसके बाद जो एक ज़बरदस्त चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है जी 1 एंड ओनली लेमन। ये मेरे पास बेबी लेमन है, इसलिए हो सकता है इसका रस कम हो तो पूरा हमें यूज़ करना पड़े। इसके यूज़ से जी हमारी इस फेशियल के जो है रिजल्ट्स हो जाएंगे डबल भी नहीं ट्रिपल जी। इसको अब कर लेते हैं मिक्स, थोड़ा सा हमें इसमें वाटर, राइस वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है और इसको आप करते हैं जी अप्लाई। इस तरीके से अपने फेस पे, हैंड्स पे, जहां भी आप जबरदस्त रिजल्ट्स चाह रहे हो
काफ़ी दिन आपने स्किन को जो है ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो इस फेशियल के करने से आप इतने ज़बरदस्त स्किन के मालिक बन जाएंगे कि आप किसी और फेशियल की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। इस तरह आपने कर लेना है जी, इसको अप्लाई, इसको 15 मिनट्स के लिए अपने स्किन पे रहने देना है, उसके बाद वॉश करना है और ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो है आपके सामने होंगे ये 15 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, रिजल्ट्स हैं आपके सामने, स्किन बहुत सॉफ्ट और ग्लोइंग एंड शाइनिंग। तो बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इस फेशियल को ज़रूर कीजिए अपनी स्किन पे और आप पाएंगी बहुत अमेजिंग स्किन जस्ट इन 30 मिनट्स। अगर उस पूरे हम प्रोसेस को देखें तो वो 30 मिनट्स में हमारा ये फेशियल कंप्लीट हो जाता है और आधे घंटे में इतनी खूबसूरत स्किन का मालिक बनना बहुत ज़बरदस्त बात है। तो जी, ये इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग जो है फेशियल आपको पसंद आया होगा उम्मीद कर रही हूँ। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इख्तिताम इस दुआ के साथ है, इंशाल्लाह।